वो बच्चा वापस नजरें आहिर की तरफ करते हुए कहता है, ये काम दरोगा का है और अब कहीं से भी दरोगा नहीं लगते। रौनित बीच में टपकते हुए झुंझुला कर पूछता है, अब दरोगा क्या होता है? बच्चा एक नजर देखकर जवाब देता है, दरोगा बोले तो पुलिस। आहिर अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए कहता है, देखो तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। बच्चा एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, दीवार वहाँ है, आप अपना सिर खुशी खुशी वहाँ मार सकते हैं। आहिर झुंझुलाते हुए कहता है, तुम? बच्चा कहता है, जब गुस्सा आए तो दीवार पर अपना गुस्सा निकाल देना चाहिए। इससे इंसान अपने गुस्से से दूसरों का नुकसान नहीं करता है और थोड़ी देर में उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। आहिर उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहता है, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ तुम। तो बच्चा कहता है, पता है तो फिर मुझे क्यों बताया कि आपको गुस्सा आ रहा है? सीधे जाकर दीवार से भिड़ जाते, जैसा मेरा लकी भिड़ता है। रौनित बीच में कहता है, लकी? बच्चा टेबल से पानी का ग्लास उठाते हुए कहता है, मेरी भेड़ का नाम लकी है। ये कहते हुए उसने पानी पिया तो रौनित मुंह खोले उसे देखने लगा। फिर रौनित तेज आवाज में कहता है, तुम सर की तुलना एक भेड़ से कर रहे हो। बच्चा खाली ग्लास टेबल पर वापस रखते हुए कहता है, नहीं मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा था, मैंने किसी की तुलना किसी से नहीं की, मुझे वैसे भी गणित से चिढ़ है। रौनित इरिटेट होकर कहता है, यार इसके मुंह पर टेप लगाओ कोई। आहिर उसे घूर कर देखता है। रौनित सक पकाते हुए कहता है, मैं लगाता हूँ। ये कहते हुए उसने वापस बच्चे के मुंह पर टेप लगा दी। बच्चा वापस टेप हटाने के लिए हाथ उठाता है तो रौनित उसके हाथ नीचे कर देता है। बच्चा वापस हाथ उठाता है और रौनित फिर से नीचे कर देता है। अब एक खेल शुरू हो गया था, हाथ ऊपर हाथ नीचे, हाथ ऊपर हाथ नीचे। आहिर तेज आवाज में कहता है, रौनित वो बच्चा है, तुम तो बूढ़े हो, बड़े हो, तुम क्यों उसके साथ बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? रौनित उस बच्चे से दूर होते हुए कहता है, सॉरी सर, पर इसने दिमाग का दही बना दिया। तभी उस बच्चे की आवाज एक बार फिर से उनके कानों में सुनाई देती है, आप गलत कह रहे हैं, दूध से दही बनती है, दिमाग से नहीं। रौनित घूर कर उसे देखता है जिसने एक बार फिर मुंह से टेप हटा दिया था। आहिर अपने माथे को सहलाते हुए कहता है, इसको उठाओ और घर ले चलो। रौनित खुद को लाचार महसूस करते हुए कहता है, रहने दीजिए सर, इसकी बातें सुनकर सब सदमे में चले जाएंगे, इसकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी, न जाने कौन सी भाषा बोलता रहता है। बच्चा एक बार फिर कहता है, मैंने कोई फारसी नहीं बोली है, मैंने पहाड़ी बोली थी जो सुनने में बहुत अच्छी होती है। इस बार आहिर ने उसकी कॉलर के पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा दिया। फिर उसे वैसे ही उठाकर बाहर ले आया, उसे गाड़ी की बैक सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रौनित उस बच्चे के बगल में बैठते हुए कहता है, तुम्हें हमसे डरना चाहिए। बच्चा रौनित को घूरते हुए कहता है, मैं अपनी पड़ोस वाली आंटी से नहीं डरा, आपसे क्या ही डरूंगा, जाओ जाओ किसी और को डराओ। ये कहते हुए उस बच्चे ने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर दिए और ड्राइविंग सीट पर बैठे आहिर से कहता है, पुलिस स्टेशन आ जाए तो बता देना, मुझे यहाँ के रास्ते समझ नहीं आते, सब एकदम सीधे, पता नहीं लगता जा कहाँ रहे हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ काफी घुमावदार मोड़ है, अगर कभी HRTC में सफर करोगे और बैड लक से आपको लास्ट वाली सीट मिल जाए तो जीते जी नर्क की अनुभूति होगी आपको। रौनित बुरा सा मुंह बनाकर कहता है, HRTC, अब ये क्या बला है? बच्चा इसे अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, पथ परिवहन निगम अर्थात सरकारी बस। फिर विंडो से बाहर देखते हुए आहिर से कहता है, जल्दी से पुलिस स्टेशन चलो। आहिर कार ड्राइव करते हुए कहता है, ये छोटा सा बच्चा मुझे ऑर्डर दे रहा है। इधर राठौर हाउस में कबीर बेड पर सोया हुआ था और हीर उसके बगल में नहीं थी, उसके पिलो और कंबल दोनों फर्श पर पड़े थे। वहीं हॉल में एक आदमी आराम से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा था। उसके हाथ में बोल था जिसमें अंगूर थे और उसने अपना सिर सोफे पर टिका रखा था। वो आदमी अंगूर खाते हुए कहता है, पैरट गर्ल यू आर 5 मिनट्स लेट। सोफे के पास खड़ी हीर उसे घूर कर देखते हुए कहती है, कॉफी बनाने में वक्त लगता है, मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है जो मैं चुटकी बजाऊंगी और कॉफी खुद बन जाएगी। अव्यांश आंखें छोटी करके कहता है, मुझे भाई से बात करनी होगी पैरट गर्ल, उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम रुद्राक्ष रायचंद की कंपनी में काम। हीर तुरंत ही कहती है, अरे तुम तो बुरा मान गए मोटे हाथी। ये कहते हुए हीर ने अव्यांश को देखा जो उसे घूर रहा था। हीर जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा मतलब है मेरे प्यारे देवर अव्यांश राठौर, तुम तो बुरा मान गए, वो एक्चुअली कॉफी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे देवर। अव्यांश कहता है, ओ इतना प्यार, मेरी तो आंखें भर आई पैरट गर्ल,
तुम्हारे जैसी भाभी माँ पाकर मैं धन्य हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मुझे हर जन्म में तुम जैसी ही। वेट, तुम जैसी क्यों? तुम ही भाभी माँ के रूप में मिलो। ये कहते हुए वो अपनी आंखों में ना आए आंसू को पोंछने का नाटक करता है। हीर कहती है, उड़ लो मोटे हाथी, जितना उड़ना है उड़ लो। अगर तुम्हारे पर मैंने नहीं कतरे तो मैं भी हीर नहीं। हीर के कहते ही अव्यांश सोफे से उठते हुए कहता है, मुझे भाई की याद आ रही है। हीर जल्दी से उसकी बाजू पकड़ते हुए कहती है, मेरा मतलब था मैं तुम्हें उड़ने के लिए नए पंख दूंगी। सच्ची में तुम बैठ जाओ अब। अव्यांश तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं बैठ जाता हूँ। लाओ मेरी कॉफी दो। हीर कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, थोड़ा जहर डाल दूं इसमें? अव्यांश चिढ़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहता है, हा हा, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है पैरट गर्ल, कवारा ही मार डालना चाहती हो मुझे। हीर जोर से कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए कहती है, मुझसे कब तक अपनी नौकरी करवाने का इरादा है तुम्हारा? सीधे सीधे बोलो, चाहते क्या हो तुम? ऐसे आधी रात को सोने के बजाय खुद तो उल्लू बने ही हुए हो, मुझे भी उल्लू की तरह जगा रखा है। अव्यांश मग उठाते हुए कहता है, ये तो तुम्हें मुझे एक महीने तक इग्नोर करने से पहले सोचना चाहिए था भाभी माँ। अब मुझे मौका मिला है तुमसे चुन चुन कर बदला लेने का, तो मैं इस मौके का फायदा। हीर ने उसे घूर कर देखा तो अव्यांश आगे कहता है, इस मौके का फायदा खूब उठाऊंगा। हीर उसे घूरते हुए कहती है, और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। हीर की बात सुनकर अव्यांश हंसते हुए कहता है, वो कैसे? हीर दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहती है, तुम भूल रहे हो मैं कबीर की बीवी हूँ और ये सब मेरा है, घर प्रॉपर्टी। वो बोल ही रही थी कि पीछे से किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, क्या कहा तुमने? दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं तो वहां माया खड़ी थी और उसके हाथ में खाली पानी का जग था। हीर धीरे से कहती है, बिन मौसम बरसात की तरह हमेशा गलत वक्त पर ही टपक जाती है सासू माँ। माया तेज कदमों से हीर के पास आती है और हीर को घूरते हुए कहती है, तुमने अव्यांश को धमकी दी कि तुम उसे यहाँ से बाहर फेंक दोगी क्योंकि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है? हीर माया को देखकर कहती है, अरे सासू माँ, पुलिस की तरह सीरियस क्यों हो रही हो? मजाक को मजाक की तरह लेना चाहिए। उसकी बात को बीच में काटते हुए माया गुस्से से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, पहले तो तुम्हारी वजह से उस दिन कबीर नशे में घर आया, पिछले एक महीने से मेरे बच्चों ने मुझसे बात तक नहीं की है और अब तुम मेरे बेटे को यहाँ से बाहर निकालने का सपना देख रही हो। तभी अव्यांश कहता है, आपसे किसी ने बात नहीं की क्योंकि उसमें आपकी गलती थी मॉम, आपने जानवी के कहने पर वो वीडियो प्ले किया था। ये कहते हुए अव्यांश कॉफी का मग साइड रखता है और उठकर खड़ा हो जाता है। माया हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, इतने वक्त बाद मुझसे बात कर रहे हो तुम अव्यांश, और उसमें भी ताना ही दे रहे हो। अव्यांश कहता है, ताना नहीं दे रहा हूं मैं, सिर्फ सच्चाई कह रहा हूं। माया गुस्से से कहती है, और सच्चाई यही है कि एक दिन ये दोनों पति पत्नी तुम्हारा और यांशी का हक मार कर बैठ जाएंगे। आज इस लड़की ने तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की धमकी दी है, अगर कल को इसने पैसों के लिए हमें बाहर निकाल दिया तो। और वैसे भी कबीर को तो इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है, इसके लिए वो जेल जा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, इस लड़की को इसके किए की सजा तक नहीं मिली है। ये सुनकर अव्यांश कहता है, बात का बतंगड़ मत बनाइए मॉम, पैरट गर्ल ने जो कहा सिर्फ मजाक में कहा, और पैसों का लालच उसे क्यों होगा? क्या भूल रही हैं वो किसकी बेटी है? वो आहिर खुराना की बेटी है, उसे पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हीर माया को देखकर कहती है, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अगर आप चाहती हैं तो मैं वापस सारी प्रॉपर्टी कबीर के नाम कर दूंगी। माया तंज कसते हुए कहती है, मतलब तो एक ही है, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम रहे या कबीर के नाम पर, फर्क क्या पड़ता है? मेरे बच्चे तो हमेशा तुम दोनों के सामने हाथ ही फैलाएंगे। अव्यांश इस बार गुस्से से कहता है, बस करिए, अपने बड़े भाई से मांगने में कैसी शर्म। माया कुछ कहती उससे पहले ही किसी की आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ? आवाज सुनकर तीनों ने मुड़कर पीछे देखा जहाँ कबीर दोनों हाथ ट्राउजर की पॉकेट में डालकर खड़ा था। उसने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी, उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और वो हीर को ढूंढते हुए नीचे आया था। कबीर उनके पास आते हुए कहता है, ये आधी रात को क्या हो रहा है यहाँ? अव्यांश कहता है, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। तभी माया कहती है, कैसे कुछ नहीं? बताओ कबीर को कि हीर ने तुम्हें धमकी दी कि वो तुम्हें इस घर से बाहर फेंक देगी क्योंकि वो इस घर की राठौर्स की प्रॉपर्टी की मालकिन है। ये सुनकर अव्यांश ने घूर कर माया को देखा पर माया को कोई फर्क नहीं पड़ा। कबीर ने गहरी सांस ली क्योंकि उसके घर में रोज कोई ना कोई ड्रामा बचपन से ही होता आ रहा था जिसकी उसे अब आदत हो गई थी। वो हीर का हाथ पकड़कर कहता है, रूम में चलो हीर।
तभी माया पीछे से कहती है, तुमने उस दिन मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती हूँ। ये सुनकर कबीर के कदम रुक गए। माया आगे कहती है, इसलिए क्योंकि बचपन से तुमने मेरे बच्चों का हक छीना है। उनके हिस्से की प्रॉपर्टी पर पहले तुम्हारा नाम था और अब तुम्हारी इस बीवी का नाम है। कल को तुम्हारा कोई बच्चा हुआ तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे सामने हमेशा हाथ फैलाते रहे, यही चाहते हो ना तुम? कबीर मुड़कर माया को देखते हुए कहता है, मेरी छोड़िए, आप बताइए आप क्या चाहती हैं। अव्यांश माया को तिरछी नजरों से घूरते हुए कहता है, बिना वजह घर की खुशियों में आग लगाना। माया तेज आवाज में कहती है, अव्यांश। इतना कहकर माया कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को भी बराबर का हक मिले, उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। हीर मुड़कर माया को देखते हुए हैरानी से कहती है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कबीर के साथ सौतेला व्यवहार किया आपने? माया हीर को एक नजर देखकर उससे अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, हर माँ चाहती है उसके बच्चे हमेशा खुश रहें, उन्हें किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन शुरू से ही सब कबीर को दिया गया, किसी ने अव्यांश और यांशी के बारे में नहीं सोचा। मैंने माँ और राहुल दोनों से इस बारे में बात की थी, पर किसी ने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। हीर को माया की सोच पर तरस आ रहा था। वो माया को देखते हुए कहती है, मुझे? तभी कबीर हीर के हाथ पर पकड़ कसते हुए कहता है, रहने दो हीर। माया के इस आरोप का क्या जवाब देगा कबीर? क्या वो अव्यांश को उसका हिस्सा देगा या माया सही थी? जानने के लिए सुनती रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।